हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ हम बनाए थे मछली का सालन, तो देखिए बहुत अच्छा बना था माशाल्लाह। तो आप लोग ऐसे बनाइएगा। चलिए आप लोग को रेसिपी बताते हैं। तो इधर देखिए हम सब मसाला निकाल लिए अच्छे से। तो ये फ़िश है मेरी, ये 1 किलो है और ये 1 किलो मछली है पूरी। और इधर लहसुन है, ये 1 प्याज हम लिए हैं, ये 3 लहसुन है, इसको हम छील लिए, ये ब्लैक सरसों है और ये अदरक है। तो इसका हम पेस्ट बना लेंगे पहले। तो चलिए पहले हम पेस्ट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए हम पेस्ट इधर बना लिए, तैयार कर लिए। ये धनिया पाउडर है ये 1 चम्मच, लाल मिर्च है ये कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, ये हल्दी है 1/2 चम्मच, ये मेथी दाना है, ये नमक है टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, ये 1 टमाटर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इधर हम कढ़ाई चढ़ा दिए, तेल मेरा गरम हो गया था, हम इसमें मेथी दाना डाल दिए। फिर इसके बाद हम मसाला उसमें ऐड कर दिए थे, क्योंकि मसाला ज़्यादा इधर उधर छटकता है, इसकी वजह से हम इसमें मसाला ऐड कर दिए थे। तो देखिए अब इसमें हम मसाला डालेंगे, लाल मिर्च, ये घर की लाल मिर्च है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये हल्दी है, ये धनिया है, धनिया मेरी 2 चम्मच थी, ये नमक है। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद ये देखिए हम इधर अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, और इसको अच्छे से भुनिएगा। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे अच्छे से। इधर हम ढक दिए, ये देखिए मसाला मेरा भून रहा था, हम बीच बीच में खोल खोल के इसको ऐसे चलाएंगे कि नीचे से लगे ना। तो सरसों वाली मछली तो सभी लोग को पसंद है, मछली तो वैसे सभी लोग को पसंद है, बहुत कम ही लोग हैं जिनको नहीं पसंद है। तो हम फिर से ढक्कन से ढक दिए हैं। अब इसको हम इसमें हम टमाटर डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा और भुनेंगे अच्छे से। तो देखिए टमाटर मेरा गल गया है एकदम, ये देखिए एकदम गल गया अच्छे से। देखिए अब इसमें हम इसको हम चलाएंगे थोड़ा। तो देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करिए और वीडियो पूरी देख के जाया करिए। इसमें हम 1 गिलास पानी डाल दिए, मसाला मेरा अच्छी तरीके से भुन गया था। अब इसमें हम 1 गिलास पानी डालें, इसको हम 10 मिनट और पानी इसका पक जाएगा तब हम भी फिश डालेंगे इसमें। तो देखिए पानी एकदम पक गया है मेरा अच्छे से। अब इसमें हम मछली डालेंगे। तो इधर हम मछली डाल दिए, मछली को हम फ्राई नहीं किए, ये हलवा मछली है। तो देखिए हम इसको ढक दिए, ढक देंगे 10 मिनट के लिए, थोड़ी कोशिश डालेंगे, 10 मिनट के लिए ढक देंगे, फिर खोलेंगे। देखिए मेरी मछली हो गई तैयार माशाल्लाह। चलिए आप लोग ऐसे बनाइएगा और खिलाइएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करिए। ये देखिए सालन मेरा तैयार हो गया। अब इसको हम निकालते हैं, सबको देते हैं। तो चलिए ये देखिए, तो आप लोग भी ऐसे बनाइएगा, सबको खिलाइएगा, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, तरी भी इसकी एकदम अच्छी हुई है। देखिए देखिए आप लोग इसको रोटी से खाइए, चावल से खाइए, वैसे मछली तो चावल से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी अल्लाह हाफिज़।